हेलो एवरीवन एंड सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज मैं जिस सॉन्ग को लेकर आई हूँ आपके सामने, सॉन्ग का नाम है वार बाय निर्वैर पन्नू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वार को। और चैनल पर नए नए हैं या अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी सिख हिस्ट्रीज वीडियो, शब्द और बहुत प्यारे सॉन्ग मिलेंगे। तो बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं सॉन्ग और सुनते हैं। हो पहरेदारी तेरी करन सटेना 15 जे असी भी बिल्ला विचों कड कड वैरी मारे एह कुट कुट वैरी कर दे जागो दे छज वर्गा जेड़ा शंग आके ना फिर ना खंब खलारे या लोगों के पीछे अपनी जान हंसते हंसते गवा दी, बिल्कुल उन्हीं को डेडिकेट करता है ये सॉन्ग। बहुत प्यारा था। और मुझे सबसे अच्छी जो बात इसमें ये लगी कि हम लोगों को अभी इतिहास जो है वो पूरी तरीके से याद है, लेकिन कुछ हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं शायद उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी जब कुछ साल पहले, मतलब एक दो साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, तो मुझे भी इतनी हिस्ट्री के बारे में नहीं नॉलेज थी कि कैसे हमारे गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी। और ये जो सॉन्ग है ये भी देखिए, अगर आपको जो लैंग्वेज नहीं समझ में आती कहते हैं तो हम उस पर कम ध्यान देते हैं, या आप बचपन से जो लैंग्वेज सुन रहे हैं आप उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब से आप यकीन ही मानेंगे, जब से मैंने हिस्ट्री वीडियो बनाना स्टार्ट किया है फिर मेरा कहीं और मन ही नहीं लगा। मतलब मैं जब भी इनके गाथाओं के बारे में, जब भी इनके योगदान के बारे में, इनकी शहादत के बारे में जब भी मैं सुनती हूँ ना, मैं एक ही चीज़ बार बार सुनती हूँ, पर फिर भी क्यों पता नहीं क्यों मुझे हर बार अंदर से अलग सी फीलिंग आती है कि कितने धन्य थे वो सूरमा जिन्होंने हमारे देश के पीछे हंसते हंसते कुर्बानियाँ दे दी। वो भी ऐसी ऐसी सजाएं जिनको केवल हम लोग केवल देखते हैं या सुनते हैं तो हम लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। कि उन्होंने जैसे अपने उन्होंने सॉन्ग में भी कहा कि जो आर्यां थी वो भी हमसे वाकिफ थी, तो बिल्कुल सही बात है यार। जब उनको आरियों से कटवाया गया, चरखियों से, मतलब उनको ऐसे बांध के ऐसे
पहना गया, मतलब ऐसी मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई मुगलों ने कोई ऐसी सजा बाकी रखी थी डराने के लिए कि वो डर जाए। लेकिन वही है ना जो वाहेगुरु का सच्चा बंदा है, जिसको लगता है कि मैं नेक रास्ते पर हूँ और मुझे कोई भी नहीं डरा सकता और ये सब जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये उस ऊपर वाले की मर्जी है। तो कहते हैं ना वो वाहेगुरु की रजा में राजी रहने वाले थे, तो उनको किसी का भी भय नहीं था। आप कुछ भी कर लो वो अपनी चीज़ों पर अटल थे और अटल हैं और अटल रहेंगे। तो बहुत अच्छा प्यारा सा सॉन्ग था ये और उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सपोर्ट करने के लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।